To keep your brain fit and active, logically solve one puzzle every day. तो चलिए देखते हैं आज की पजल। आज की पजल में हैं 6 लड़के A, B, C, D, E और F। उनके पास कुछ रुपये हैं। कितने हैं? 9, 15, 18, 24, 27 और 30। लेकिन A, B, C, D के ऑर्डर में नहीं है। हमें कुछ क्लूज दिए हैं और उन क्लूज के आधार पर बताना है कि किस लड़के के पास कितने रुपये हैं। इंफॉर्मेशन है, पहला, ए के पास एफ से 12 रुपये ज्यादा हैं। दूसरा, ई के पास डी के कंपैरिजन में 3 रुपये ज्यादा है। आखिरी इंफॉर्मेशन तीसरा, जितने रुपये ई और एफ के पास हैं उनका अंतर और जितने रुपये एफ और सी के पास है उनका अंतर दोनों बराबर है। मैं चाहूंगा वीडियो रोकिए, अपने से इस पजल को सॉल्व करिए। अब वक्त आ गया है, हर पजल को आप अपने से सॉल्व करें। तो चलिए देखते हैं मैंने किस तरह से इस पजल को सॉल्व किया। देखते हैं वर्किंग। पहला पॉइंट, ए और एफ के पास जो रुपये हैं उसमें अंतर है 12 रुपये का। ए के पास 12 रुपये ज्यादा है, तो ए और एफ के पास रुपये हो सकते हैं 27 और 15, 12 का डिफरेंस है, या 30 और 18, 12 का डिफरेंस है। नेक्स्ट, ई और डी के पास हो सकते हैं 18 और 15 रुपये, या 27 और 24 रुपये, या 30 और 27 रुपये, क्योंकि डिफरेंस होना चाहिए 3। तीन पॉसिबिलिटीज हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एफ के पास होंगे 15 या 18 रुपये, ये हम देख चुके हैं। ई के पास होंगे 18 या 27 रुपये। ई माइनस एफ है 18 माइनस 15 3, और 27 माइनस 15 12, और 27 माइनस 18 9। अब हम देखते हैं एफ और सी के पास जो रुपये हैं उनका डिफरेंस 15 माइनस 9 6, या 18 माइनस 9 9। 18 माइनस 9 9 एफ और सी के बीच का डिफरेंस, और 27 माइनस 18 9 एफ और ई का डिफरेंस, दोनों बराबर हैं। यहां से हमें सारे अमाउंट मिल जाते हैं। एफ के पास है 18 रुपये, सी के पास है 9 रुपये, ई के पास है 27 रुपये, नेचुरली ए के पास होंगे 30 रुपये, डी के पास होंगे 24 रुपये, और बी के पास 15। सीक्वेंशियली आंसर, ए बी सी डी ई और एफ के पास रुपये हैं रिस्पेक्टिवली 30, 15, 9, 24, 27 और 18। यहां मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, इस तरह की पजल को सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। आप सुनिए लेकिन अपने से सॉल्व कीजिए बिना देखे, तभी प्रोसेसेस आत्मसात होंगे। इस तरह की पजल सॉल्व करने से हमारी एनालिटिकल स्किल और डिसीजन मेकिंग स्किल दोनों का विकास होगा। 501 पजल की इस यात्रा में इसी तरह विविध कुशलताओं का विकास करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अगली पजल में अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।